हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस्त बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर थर्ड का लेक्चर नंबर थर्ड चैप्टर नंबर थर्ड किसके बारे में है प्रोटीन्स के बारे में तो हम लोग यहां पर प्रोटीन्स के बारे में पढ़, पढ़ रहे थे और अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के बारे में काफी सारी बातें हमने जान ली है अब हम लोग आज देखेंगे इनके क्वालिटेटिव टेस्ट ठीक है ना देखो तो क्वालिटेटिव है क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी क्वालिटी मतलब क्या इसके अंदर प्रोटीन है अमीनो एसिड है कि नहीं है क्वांटिटी होता तो उसमें हम ग्राम पता करते कितने ग्राम है ठीक है तो दिस इज द क्वालिटेटिव टेस्ट कि उसके अंदर कोई चीज है या नहीं है ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है छह सात टेस्ट है फटाफट फट देख लेते हैं हम लोग यहां पर कुछ ज्यादा खास नहीं है देखो यहां पर अभी क्या है पूरी डिटेलिंग है तुमको एक बार लेक्चर पूरा देख लोगे तो सबसे पहले तुम क्या है? ये सात टेस्ट और इन सातों टेस्ट का नाम लिख करके किस किस कराने पे क्या कलर आ रहा है और वो क्या शो करता है समझाऊंगा उसमें एक्जेक्टली exactly तुम्हें कहां तक सीमित रहना है तो क्या कह रहा है द निहाइड्रीन सबसे पहला टेस्ट कौन सा निन टेस्ट तो कह रहा है ठीक है टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट ओके केमिकल टेस्ट केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल टेस्ट है विच इज यूज है ना केमिकल है कि फिजिकल है फिजिकल में हम लोग क्या करते हैं टेस्ट के देख लेते हैं तो केमिकल टेस्ट है विच इज यूज टू चेक वेदर आ गिवन एनालाइट एनालाइट मतलब जो हमें सैंपल दिया गया है यहाँ पे जो एनालाइट की जगह क्या लिख सकते हो सैंपल लिख सकते हो कंटेन्स अमीन्स और अल्फा अमीनो एसिड क्या उसके अंदर अमीनो एसिड है या नहीं है तो क्वेश्चन आ सकता है निन हाइड्रीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है अमीनो एसिड्स के लिए ठीक है ना फैट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए तो आ जाएगा आंसर क्या हमारे पास अमीनो एसिड्स के लिए इन दिस टेस्ट दिसन इन एडेड टू टेस्ट सोलूशन ऑफ द एनालाइट है ना सैंपल में डालेंगे द डेवलपमेंट ऑफ डीप ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी अमीन और अम्यूनो एसिड इन एनोलाइट तो एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारा ये पार्ट इतना याद रखने वाला है मस्ट है इतना जरूर याद रखोगे आगे कहानी बात की बात है ये हर एक टेस्ट का तुम्हें इतना याद होना चाहिए कि निहाइड्रीन को सैंपल में डालेंगे यानी कि जो टेस्ट टेस्ट होता होता है है उसी रिएजेंट रिएजेंट के नाम से ही टेस्ट होता है। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं निन हाइड्रीन सैंपल में डालते ही कलर क्या आता है डीप ब्लू डी ब्लू आने से क्या इंडिकेट करता है अमोनिया को इंडिकेट कर सकता है प्राइमरी सेकेंडरी अमीन को इंडिकेट करेगा अमीनो एसिड को इंडिकेट करेगा तीन चीजें बताता है अमोनिया होगा या अमीन होंगे या अमीनो एसिड होंगे तीनों चीजों को अगर डीप ब्लू कलर आता तो तीनों चीज इंडिकेट हो जाती है क्लियर बातें तो ये चीज तो बिल्कुल सबसे पहला प्राइमरी काम है तुम लोगों का कि जब लेक्चर देख लोगे तो इतनी बातें इसके आगे लिख करके ठीक है क्या शो करेगा कलर डीप ब्लू लिख लोगे क्या इंडिकेट कर रहा है अमीनो एसिड अपना अमीनो एसिड टारगेट है तो अमीनो एसिड कर लेंगे लेकिन साथ साथ में लिख लेंगे साथ साथ में और भी क्या चीजें हैं अमीनो एसिड अमोनिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन ठीक है डी ब्लू कलर टेस्ट कलर ऑब्वियस हाइडेस बात है सैंपल में डाल देंगे कलर आ जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा कलर नहीं आएगा तो ये नहीं होंगे तो ये एक लाइन में तुम्हारी तैयारी खत्म लेकिन हमें हाँ पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल में ठीक है ना क्योंकि मान लो तीन नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तब क्या करोगे निन हाइडेन टेस्ट तीन नंबर में है तो केवल इतना लिख कर नहीं छोड़ना है ना फिर इसमें कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी अब इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं द अमीनो ग्रुप बिलोंगिंग टू ए फ्री अमीनो एसिड है ना जो अमीनो ग्रुप होता है अमीनो एसिड में पता है ना अमीनो एसिड ये NH2 वाला ग्रुप जो जुड़ा होता है अंडर गोज ए केमिकल रिएक्शन यहां पर जो अमीन ग्रुप होता है उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं विद निन हाइड्रीन विथ बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है जो निन हाइड्रीन है वो कैसे बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि वो क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा क्सपोज टू निन द अमीनो एसिड अंडर गोज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो अमोनिया वाला पार्ट है वो निकल जाएगा डीएमिनेशन होता है तो क्या क्या बातें हमें यहां से सीखने को मिली ठीक है निनहाइड्रीन एक ऑक्सीडेटिव एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है दूसरा डीएन डी एमिनेशन हो रहा है अमोनिया निकल जाएगा डीएमेशन हो रहा है यानी कि अमोनिया एनएस थ्री डीनेशन मतलब एन जो है ये बाहर निकल जाएगा बात समझ में आ रही है दो बातें समझ में आई हमें पर रिजल्टिंग इन लिबरेटिंग ऑफ क्या क्या निकलेगा अब देखो ठीक है यानी कि अगर मैं पे बात करूं तो यहां पर एक लाइन में क्या लिख लोगे मान लो सैंपल है तो देखो इसको शॉर्ट करते चलोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सैंपल प्लस निड्रिन ये डालते ही क्या क्या, -क्या निकलने वाला है यहां पर सीओ निकलेगा साथ में क्या निकल रहा है अमोनिया निकल रहा है और जो बचा हुआ पार्ट है जो कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में है ना अब अमोन मैं उम्मीद कर रहा हूं पता ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद होगा ठीक है ना मैं बार बार इसको दिखाऊंगा नहीं आ रहा स्ट्रक्चर अब ये वाला जो है ये रिड्यूस हो जाता है किसम बदल जाता है एल्डिहाइड में तो सैंपल प्लस प्लसिन क्या मिला हमको सीओ टू एनस्ट्री और एल्डिहाइड इस तरीके से प्रिंसिपल की बात है मतलब ये चीज जब तुम लोग खुद पढ़ के निकालोगे तो चीजें एकदम सेट हो जाएंगी अब इसको पूरा बयात करने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे को तो थ्यूरी दे रहे हैं नोट तो उसके लिए पूरा है ये तुम लोग इतना लिख लो इतना भी लिख के आ जाओ तो भी काम कर जाएगा इसके प्रिंसिपल में <coughs> लेकिन फिर थोड़ा बताना पड़ेगा कि ऑक्सीजन एजेंट है डीएमिनेशन हो रहा है ठीक है एंड एल डी एल अलॉन्ग हाइड्रिन डेंटिन जो निड्रिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा खुद क्या हो गया रिड्यूस हो गया रिड्यूस होने के बाद जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? बन जाता जाता है? है, है। नाउ द अमोनिया गोज ऑन टू रिएक्ट अनदर निन अब जो यहां से अमोनिया निकली है रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुई है अब जो यहां से हमारी अमोनिया निकली है ये निन के दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर रिएक्ट कर जाएगी और पड़े होंगे विच इज ऑल्सो नोन एज रिमेन्स कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं रिहेमस कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप ब्लू कलर अब जाकर के जो अमोनिया निकलता है ये जाकर के रिएक्ट करता है फर्दर दूसरे नीन हाइड्रेट मॉलिक्यूल से और अब ये कलर आता है क्या डीप ब्लू कलर इसीलिए कहा जाता है सैंपल में अगर अमोनिया हो प्राइमरी अमीनो तो भी अमोनो निकलती है ठीक है प्लस अमीनो एसिड होगा तो भी अमोनो निकलती है तो ये कलर आ जाता है वेन द एनालाइट कंटेन इमिनो एसिड लाइक प्रोलिन येलो कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म अगर प्रोलीन है तो ये याद रखेंगे प्रोलीन के केस में प्रोलीन एक इमिनो एसिड होता है तो वहां पर येलो कलर आता है वेन एस्पार्जिन इज यूज द कलर ऑफ द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज ब्राउन तो अलग अलग जनरली डीप ब्लू आता है इन दोनों का थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस है तो ध्यान रखेंगे तो जो जो जब तुम टेस्ट करोगे तो कोई कलर नहीं आएगा तो अमीनो एसिड एबसेंट कहलाएगा डीप ब्लू कलर आ जाएगा ठीक है ना कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा तो यहां पर ये ये टेस्ट है पॉजिटिव कहलाएगा अमीनो एसिड प्रेजेंट है इसके अंदर और येलो आ रहा है तो कौन कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है प्रोलीन अमीनो एसिड प्रेजेंट है बात समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा अब प्रोसेस तो प्रिंसिपल क्या होता है हमारा कवर अप हो जाता है क्या एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा है कौन किससे रिएक्ट करके क्या कर रहा है अब प्रोसीजर प्रोसीजर में क्या है फर्स्ट आ टू परसेंट सोल्यूशन ऑफ निन हाइड्रीन मस्ट बी प्रीपेयर बाई डविंग जीरो पॉइंट टू ग्राम ऑफ निन हाइड्रीन इन टेन एम एल ऑफ आइजर इथेनॉल और एसिडो निन हाइड्रीन सोलूशन बना लेंगे हम लोग ठीक है निन हाइड्रीन टू परसेंट सोल्यून लेकर डिजोल्व करेंगे पॉइंट टू ग्राम ऑफ निन हाइड्रीन इन टेन एमएल ऑफ इथेनॉल या एसिटॉन या इसको सिंपल लिख लेंगे कितना ऐसे लिखोगे इसको टू परसेंट पॉइंट टू ग्राम निन हाइड्रीन इन टेन एम एल ऑफ इथेनॉल केवल इतना लिख के छोड़ दो ठीक है ये सब छोटा करना सीखो भाई हमें पढ़ाना है हमें थोड़ी डेढ़ लेके चलनी चीजें तुम लोग उसमें जब छोटा दिमाग लाकर छोटा करोगे तो चीजें बड़ी सिंपल हो जाएंगी है ना ये सब चीजें मैं करवाऊंगा बाद में एक बार रिवीजन के टाइम पर ठीक है फिलहाल अभी पूरा पढ़ते चलो टू परसेंट ऑफ टू परसेंट पॉइंट टू ग्राम निन हाइड्रीन इन टेन एम एल ऑफ इथेनॉल या टू परसेंट ऑफ टू ग्राम ऑफ निन हाइड्रीन इन टेन एम एल ऑफ एसिडोन तैयार हो गया हमारा सोलूशन नाउ

ये इसको हम लोग हीट कर रहे हैं ठीक है पानी खोल रहा है इस पानी के अंदर ठीक है ना ये है वाटर बाथ हम लोग डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे अपना जो टेस्ट ट्यूब वगैरह है वो इसमें रखेंगे दिस इज अ वाटर बाथ टेस्ट ट्यूब इस पानी के अंदर है है ना हॉट वाटर बाथ वार्म बात। वाटर बाथ पांच मिनट पहले करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डीप ब्लू या वॉलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड तो निन हाइड्रीन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि अमीनो एसिड उसके अंदर है या नहीं है अब आगे आते हैं इसका रिजल्ट से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे फॉर अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी अमीन एंड अमीनो एसिड डीप ब्लू पर्पल कलर इज ऑप्टेड ठीक है तो उस समय पता चलता है कि अगर डीप ब्लू कलर आ गया तो ये होगा फॉर हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड प्रोलीन येलो कलर इज ऑप्टेड अगर येलो कलर आया है तो ये दोनों चीजें होंगी ठीक है ब्राउन एस्पार्जिन आए होगा तो ब्राउन कलर आएगा इफ नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व द एनालाइट डज नॉट कंटेन अमीनो एसिड्स अमीन्स और अमोनिया अगर कोई कलर नहीं है तो उसके अंदर ये चीजें मौजूद नहीं है सिंपल सी बात है समझ में आ गया तो वेरी सिंपल अब ये तो थोड़ा याद करनी चाहिए तो ऊपर से हमें याद हो गया ना अब यहां से ही भाई ये याद हो गया तो ये ये पॉइंट याद हो गया सिर्फ प्रोसीजर देखना था हमें ठीक है ना तो हुआ नहीं है इसे बड़ा आराम से थोड़ा दिमाग लगा कर करोगे यूं याद हो जाएगा समझ में आ जाएगा ठीक है चाहे भले एक बार एक टेस्ट को देख लिया फिर वीडियो पॉज कर लो थोड़ा दिमाग में चलाओ उसे फिर आगे आ जाओ क्लियर है बातें ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग बायोरी टेस्ट क्या है बायोरी टेस्ट द बायोरी टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट अगेन ये भी क्या है केमिकल सारे केमिकल टेस्ट है डेट कैन वी यूज टू सी एफ एन एनालाइट हैज पेप्टाइड बॉन्ड्स और नॉट क्या उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि अब अमीनो एसिड की बात नहीं रह गई है पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि प्रोटीन की बात आ गई यहां पर यानी कि पेप्टाइड से दोनों चीज क्लियर हो जाएंगे दोनों क्लियर हो जाएगा एज रिजल्ट द बायो टेस्ट मे बी यूज टू फिगर आउट हाउ मच प्रोटीन इज इन द एनालाइट है ना कितना प्रोटीन है एनालाइट के अंदर mm. वो भी यहां से पता चल जाता है इन दिस टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड इंड्यूसेस द कॉपर जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं पैप्टाइड होते हैं वो कॉपर टू आयन टू फॉर्म पेल पर्पल और मॉफ कॉर्ड पेल पर्पल कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यहां पर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो जो कॉपर टू आयन हम देखेंगे अभी बायोडो का जो इस्तेमाल करेंगे इसमें कॉपर टू होता है कॉपर टू प्लस ये टू प्लस आइन क्रिएट होते हैं ये किससे रिएक्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से पेप्टाइड बॉन्ड से रिएक्ट करके क्या कलर दे देंगे पर्पल कलर देते हैं पेल पर्पल या सिंपल पर्पल कर लो इस तरीके से निकल आया निष्कर्ष ठीक है ना निष्कर्ष निकला कॉपर टू आयन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड मिल करके क्या दे रहा है पेल पर्पल कलर दे रहा है

बायोरेट रिएजेंट इज मेड ऑफ कॉपर सल्फेट किसका बना होता है बायोरेट तो हम यूरिया के ना लेकर हम ये रीजेंट को लेकर बायोरिट रीजन पर अपना बना लेते हैं डिस्पाइट द नेम दिस रीजन डज नॉट कंटेन बायूरिट ठीक है ना आ, नेम के बावजूद इसके अंदर क्या नहीं होता है बायूरिट नहीं होता है ठीक है तो बायुरट टेस्ट नाम है लेकिन इसके अंदर बायूरिट नहीं है आगे आते हैं इट इज दी यू टू प्लस आइन सी यू टू नीचे आ गया टू प्लस आइन इन द रि रिएजेंट दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड इन प्रोटीन हैज दिस टेस्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स इन एनी सब्सटेंस ये अपना मेन मुद्दा आ गया ठीक है बायोड टेस्ट क्या होता है बायूरिट ठीक है नॉर्मली प्रोड्यूस करेंगे हम लोग तो यूरिया से निकलता है बायोरिट हमको ठीक अब बायोरिट रिएजेंट जो बायूरिट रिएजेंट है जो हम लोग केमिकल टेस्ट में इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूज मत कर जाना इस वाले से उसके अंदर कॉपर सल्फेट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है ठीक है अब इसके अंदर बायोरिट जो एक्चुअल बायोरिट फॉर्मला है वो तो नहीं होता है ठीक है लेकिन बायोरिट इसका नाम है इट इज Cu2+ इन द बायोट रीजन डेट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स है ना जो रिएक्शन बता दी थी ये Cu2+ टू प्लस क्या करता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है हैंस दिस टेस्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द पेप्टाइड बॉन्ड सिंपलू प्लस पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखता है तो हमें किसी भी कंपाउंड में पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो ये रिएक्शन दे देगा पेप्टाइड बॉन्ड होने का मतलब प्रोटीन मौजूद है प्रोटीन बॉन्ड प्रोटीन होने का मतलब है कि वहाँ पे अम्यूनो एसिड मौजूद है अब इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोलीन वेन बायट इज रिएक्टेड विद डायल्यूट कॉपर सल्फेट अ पर्पल कलर्ड सब्सटांस इज फॉर्म द रीजन बिहाइंडिस कलर इज द फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स और द कॉपर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना चिलेट समझते हो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसकी वजह से यहां पर क्या आ रहा है कलर आ रहा है कॉपर टू कॉम्प्लेक्स ऑफ वायलेट कलर यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ वाटर एंड द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पेप्टाइड नाइट्रोजन है ना जो बॉन्डिंग हो रखी होती है एनएच की यहां पर क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको लेकर के और ऑक्सीजन ऑफ वाटर एच टू ओ का जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ और इसके साथ मिला करके क्या बना लेता है ये चिलेट एक रिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना लेगा क्लियर है सिंस दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट इन 540 नैनोमीटर ये जो कॉम्प्लेक्स है इस रेंज की लाइट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है इट अपिय वायलेट इसीलिए क्या होता है अपियर होता है वायलेट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू वायलेट ठीक है ना और प्रोटीन की प्रेजेंस में यहां तक तो कहानी खत्म हो गई जनरली क्या है ये वॉलेट है लेकिन जैसे इसके अंदर प्रोटीन जाता है तो प्रोटीन की प्रेजेंस में इट चेंजेस कलर फ्रॉम ब्लू टू क्लियर है नेचुरली द कलर इंटेंसिफाई एज द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इंक्रीजेस जैसे जैसे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बढ़ेंगे इसका कलर इंक्रीज करेगा वन आयन इज जनरली अटैच टू सिक्स नियर बाय पेप्टाइड लिंकेज कम से कम छह से ही वो जुड़ सकता है एक आयन थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू क्या कर सकता है वो एक छह लिंकेज लिंकेज बना सकता है. पेप्टाइड लिंकेज के साथ जोड़ सकता है है के साथ प्रोसीजर क्या एग एल्ब्यूमिन तो 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 ले लो एंड लो इन द रेस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब तीन चीजें ले ली हमने अब जो एग जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है एड वन टू टू एम एल ऑफ बायन टू ऑल सब लोग क्या मिनट well uh, के लिए हिला करके छोड़ देंगे। Observe for any color change. अब देखो उसमें क्या होगा सही सैंपल है उसमें डाला तो बायरूड टेस्ट क्या हो जाएगा ब्लू कलर आएगा तो नेगेटिव और पर्पल कलर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्लियर है तीनों ले लिए हमने सैंपल जो एग वाला था उसके अंदर कलर कैसा आ जाएगा हमारे पास पर्पल वाला आ जाएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट द कलर टर्न्स पर्पल जो कलर कैसा हो जाएगा पर्पल में बदल जाएगा ऑल द एंड पेप्टाइड्स गिव पॉजिटिव रिजल्ट जितने भी प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स है जहां कहीं पर भी, भी होगा सबके सब क्या है ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तो हम स्पेशली कह सकते हैं कि ये टेस्ट खासकर किसके लिए है हमारे पास प्रोटीन्स के लिए है ओनली अमीनो एसिड हिस्टिडीन गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट केवल जो अमीनो एसिड हिस्टिडीन है वो इसको क्या देता है पॉइंट अगर सिंपल अमीनो एसिड फ्री अमीनो यहां पर जब की बात होती है तो ये कैसे होते हैं फ्री अमीनो एसिड अलग अलग पड़े हुए हैं ठीक है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की रिएक्शन थी यानी कि प्रोटीन के लिए हो गया हिस्टेडीन केवल एक ऐसा अमीनो एसिड है जो इसको पॉजिटिव रिजल्ट देता है क्लियर है बात है तो इसमें भी हमें कहानी वही है कौन के साथ रिएक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक बार को याद नहीं हो रहे हैं अभी स्टार्टिंग में तो प्रिंसिपल जो है थोड़ा सा छोड़ के चल सकते हो हमें मेन अपनी थीम लेके चलनी है किसके साथ रिएक्ट करने पर अंदर क्या चीज किससे रिएक्ट कर रही है क्या बना रही है और क्या कलर आ रहा है ये शुरुआत में हमें पकड़ के चलना है क्लियर है बातें और कोई चीज मिस हो जाएगी छूटती है तो उसको फिर हम लोग लाइव क्लास में कवर अप कर लेंगे डाउट क्लास में ठीक है देन जेंथोप्रोटिक टेस्ट जेंथोप्रोटिक टेस्ट इज अ बायोकेमिकल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स अब देखो पहला वाला अमीनो एसिड के लिए था दूसरा वाला प्रोटीन के लिए हो गया ये अगेन किसके लिए हो गया अमीनो एसिड के लिए हो गया कंटेनिंग फिनोलिक और इंडोलिक ग्रुप्स मार्क कर लेंगे इस चीज को फिनोलिक और इंडोलिक ग्रुप्स जिन अमीनो एसिड के अंदर मौजूद है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ज़ैंथोक्रोटिक टेस्ट जैसे कि फिनाइल एलानाइन टायरोसीन एंड ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमीनो एसिड अब पूछ देगा बताओ फिनाइल अमीनो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे हम लोग चार ऑप्शन होंगे यहां पर तो हम कौन सा करेंगे? टेस्ट करेंगे. कौन सा करेंगे, टेस्ट करेंगे. क्लियर है टेस्ट इज टू द फॉर्मेशन ऑफ येट ऑफ द प्रोटिक एसिड अब जेंथो का मतलब होता है येलो सो द टेस्ट ऑफ ऑन टर्म डेज इसीलिए येलो प्रोटीन टेस्ट भी कहते हैं ठीक है ना जेंथो है ना का मतलब क्या होता है येलो होता है तो इसीलिए इसको टेस्ट कहा गया है प्रोटीन का प्रोटीन आ गया वहां पर अब लोग कई लो बार प्रोटीन टेस्ट भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमें क्या चीज यहाँ फिनोलिक और इंडोलिक इंडोलिक ग्रुप कौन से अम्यूनो एसिड और ट्रिप्टोफेन ठीक है ना यानी कि जनरल क्वेश्चन आएगा एरोमेटिकम्यूनो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट करोगे ठीक है गिव पॉजिटिव रिजल्ट

नाइट्रेटेड नाइट्रेशन हो जाता है बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्चुअल एसिड दिस इज नाइट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रेशन हो जाता है टू हिड इंटेंसली येलो कलर्ड नाइट्रो डेरिवेटिव ठीक है वो रिएक्शन मैकेनिक हम यहां पे नहीं कर रहे हैं. तो सिंपल सी बात क्या है जो प्रोटीन है उसका नाइट्रेशन हो जाता है

प्रिंसिपल में कहानी होती है कि क्या हो रहा है अंदर रिंग कंटेनिंग अम्यूनो एसिड लाइक फिनाइल एलिन डोंट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट टेस्ट टू दिस बिकॉज़ फिनाइल ग्रुप इन फिनाइल एनलिन इज वेरी स्टेबल अब देखो कह रहा है टेस्ट ओके विच नॉट रिएक्ट नाइट्रिक एसिड इन द कंडीशन ऑफ दिस टेस्ट हाउ एवर फिनाइल एनलिन माइट गिव पॉजिटिव रिजल्ट आफ्टर एंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ हीटिंग करता नहीं है, तुरंत बाकी दोनों कर जाएंगे. वो थोड़ा होता है कैसा होता है तो फिर ये कलर हमको दे देगा ठीक है कोई मतलब नहीं इस पॉइंट का लेकिन समझना है तुरंत हमको नहीं देगा अब रीजन क्या है कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया एनए एच बेस का इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट सोल्यूशन चाहिए हमको तो देखो जरा रहा यहां पर क्या हो जाएगा

टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज और हम लोग क्या देखेंगे कलर चेंज को चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर कहा था येल्लो आएगा ठीक है और क्या आ जाएगा फिर ऑरेंज अगर उसमें बेस्ट डालते हैं हम लोग ठीक है ना स्टार्टिंग में येलो आता है और फिर क्या आता है जब बेस्ट अल्कालीन मिला देते हैं तो क्या कलर आ जाता है ऑरेंज आता है ये दोनों ही हमको क्या शो करते हैं पॉजिटिव टेस्ट देते हैं किसके लिए अमीनो एसिड के लिए कौन से अमीन अमीनो एसिड है एरोमेटिक अमीनो एसिड

देखो बच्चों ध्यान रखना क्या लिखोगे जेंथो प्रोटिक टेस्ट ठीक अब आप सैंपल तो देखो लोगे लोगे एक जेंथोप्रोटिक हो गया ना हमारे पास सैंपल लोगे लोगे इसमें क्या रहेगा हमारे पास सैंपल तो होगा ही होगा क्या मिला रहे हो एच एन ओ थ्री मिला रहे हो क्या दे रहा है हमको ये औ, आ, येलो कलर दे रहा है ठीक है ना फिर क्या मिला दोगे बेस एनओ एच क्या दे देगा ये हमको ऑरेंज इस तरह से एक लाइन में इसको लिख लोगे इस तरीके से एक लाइन में इसको लिख लोगे यहाँ पे लिख सकते हो कि यहां पर इसका क्या हो गया है नाइट्रेशन हो गया है क्या हो गया है नाइट्रेशन इतना ठीक है ना तो एक एक सीक्वेंस में तो ये वाली चीज तुमको याद रखनी कलर क्या है और क्या चीज मिलाई जा रही है अच्छा यूज देना चाहो दे दो जरूरत तो नहीं है यहाँ पर वैसे दिस इज द बायोकेमिकल टेस्ट टू डिटेक्शन फॉर प्रोटीन एंड अमीनो एसिड दोनों के टेस्ट के लिए होता है ये के के लिए लिए aromatic amino acid और अमीनो एसिड द द टेस्ट अलाउ डिफ्रेंसेशन ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड फ्रॉम द नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड इसका एक खास इस्तेमाल है एरोमेटिक अमीनो एसिड और नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड को अलग अलग करने के लिए यानी कि इसके अंदर एरोमेटिक है या नहीं है कि नॉन एरोमेटिक है कौन सा है उसको चेक कर लेंगे देन ग्लायो ग्लायोक्लिक एसिड रिएक्शन या हॉपकिंस कोल टेस्ट चले आगे ठीक है डिटेक्शन ऑफ इंडोल रिंग कर किसके लिए देखो ये स्पेसिफिक चीजें होती जा रही स्पेशली इंडोल रिंग के लिए आ गया एंड दस ट्रिप्टोफेन इन प्रोटीन और जब इंडोल रिंग कन्फर्म हो जाएगी तो इंडोल रिंग किस अमीनो एसिड के पास है हमारे पास ट्रिप्टोफेन अब ट्रिप्टोफेन को पहला लेक्चर देखोगे अमीनो एसिड वाला उसमें ट्रिप्टोफेन डूनो और देखो इसका स्ट्रक्चर उसमें जो एक रिंग लगी हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडोल रिंग बोलते हैं ठीक है यानी कि दिस टेस्ट इज स्पेशली फॉर ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड ठीक है या ऐसी प्रोटीन्स जिनके अंदर ट्रिप्टोफेन मौजूद है बात क्लियर है द टेस्ट इज ऑल्सो टर्म एस ग्लाइलिक एसिड टेस्ट एज द रिएजेंट कंटेन

ठीक है इन प्रोटीन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन कंटेनिंग प्रोटीन या तो हम यह पता लगा रहे हैं कि अम्यून एसिड के अंदर इंडोलिंग है कि नहीं अगर मेरे पास है, या हम ये पता लगा रहे हैं कि मेरे पास जो प्रोटीन है है उसके अंदर है या नहीं है दोनों चीजों के लिए यह होता है अल्टीमेटली इसका टारगेट क्या है ट्रिप्टोफेन अम्यूनो एसिड चाहे वो प्रोटीन में हो या साधारण फ्री हो हमें उससे मतलब नहीं है इन दोनों को बता देगा ये यानी कि हम कह सकते हैं ट्रिप्टोफेन कंटेनिंग प्रोटीन और ट्रिप्टोफेन जो हमारा एसिड इसके लिए ये टेस्ट होता है आगे आते हैं प्रिंसिपल तो इस्तेमाल होगा ओवर ऑफ ट्रिप्टोफेन कंटेनिंग प्रोटीन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिंग एट द इंटरफेस हम लोग क्या करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है हमारे पास क्या रहेगा सैंपल रहेगा उसमें ट्रिप्टोफेन रहेगा और एसिड एसिड मिलाएंगे तो जो उनका जोड़ होगा यानी कि मान लो टेस्ट ट्यूब है ठीक है नीचे सैंपल रहेगा सल्फ्रिक एसिड आच, मिलाएंगे तो जहां पर इनका इंटरफेस रहेगा ना यहां पर ये जो है यहाँ पर कैसी रिंग आ जाएगी पर्पल रिंग आ जाएगी कैसी रिंग आ जाएगी पर्पल तो वही कह रहा है बेस्ड ऑन द दे प्रिंसिपल द लेयरिंग ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ओवर मिक्सचर ऑफ ट्रिप्टोफेन कंटेनिंग प्रोटीन एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर ट्रिप्टोफेन है विद द रिएजेंट ठीक है जब मिला देते हैं उसको रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वॉलिट रिंग एट द इंटरफेस

स्लैंड तिरछी स्लैंडिंग मतलब तिरछी तिरछी में टू टू लेयर ऑफ लिक्विड आर बी विदाउट मिक्सिंग दो लेयर बन जाएंगे बिना उसको मिलाए हमें मिलाना नहीं है टू ले हमें दिखाई पड़ेगी दो टेस्टिव शुड बी ऑब्जर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर रिंग इन द इंटरफेस ऑफ द टू लेयर है ना जो दो लेयर रहेंगी उसके इंटरफेस पे हमें क्या चेक करना है पर्पल रिंग तो एक सोल्यूशन रहता है फिर हम लोग क्या मिलाते हैं एस मिलाते हैं सिंक कर जाता है वो एस जब मिलाते हैं तो कहां चला तो जाता है

ट्रिप्टोफैन कंटेनिंग प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जिनके अंदर ट्रिप्टोफैन मौजूद है यूज क्या है दिस टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड दोनों के लिए है इन अ सैंपल द टेस्ट इज सिंपल एंड इजी टू परफॉर्म डेट टू आइडेंटिफाई द ठीक है इसमें कुछ खास नहीं है तो यूजेज देखो यूजेज में क्या है एक चीज स्ट्रांग हो जाती है हमारे पास अच्छा अमीनो एसिड और प्रोटीन के लिए कौन सी वाली ट्रिप्टोफेन वाली अच्छा ये है तो ये एग्जैक्ट तुम्हारे माइंड में चीजें छपनी चाहिए ठीक है ना जनरल आ गया अम्यूनो एसिड का टेस्ट दो कोई भी उठा के लिखो जो छह सात यहां पर है पर्टिकुलर आ रहे हैं वहां मामला थोड़ा सा क्या हो जाएगा टेढ़ा हो जाएगा पर्टिकुलर तुम्हारे पास कहां आने की संभावना ज्यादा है जो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो तुम्हारे एग्जिट एग्जाम होंगे ठीक है ना वहां जाके एकदम टू द पॉइंट चीजें आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है नाउ मिलन टेस्ट ठीक है मिलन टेस्ट क्या है इज द एन एनालिटिकल टेस्ट यूज टू फॉर द डिटेक्शन ऑफ अम्यूनो एसिड

एम टी या टीएम जैसे मर्जी याद कर लो टायरोसिन होगा मिलन टेस्ट में मिलन टेस्ट में कौन है टायरोसिन मिलन टेस्ट टायरोसिन इसमें क्या होता है एम टी पी याद कर लो फिनॉल हो गया मिलन टेस्ट टायरोसिन फिनॉल हो गया इस तरीके से चीजें याद करते चलेंगे क्लियर है तो स्पेशली हर किसी का स्पेसिफिसिटी आती जा रही है कौन सा टेस्ट किस खास चीज के लिए अदरवाइज प्रोटीन और अमीनो एसिड के लिए तो है ही टेस्ट उनमें भी खास किस चीज के लिए है वो चीज क्लियर होती, होती जानी चाहिए मिलन टेस्ट इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टायरोसिन बट इट इज नॉट अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर प्रोटीन ठीक है बट ये प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है इट इज ऑल्सो डिटेक्ट द फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट इन अदर कंपाउंड्स एज वेल अगर किसी और कंपाउंड में भी फिनोलिक ग्रुप है तो उसमें भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो यहां गड़बड़ हो गया भाई कि वो प्रोटीन है या नहीं है दिक्कत आएगा वहां पर ठीक है ना इसीलिए स्पेसिफिक नहीं है

आगे आते हैं. मिलन्स क्या होता है? मिलन्स कंसिस्ट नाइट्रेट, है, है. ठीक तो ये थोड़ा सा है, नाइट्रेट, नाइट्रेट, एर, नाइट्रिक से मिला करके क्या बनता है हमारा मिलन्स रिएजेंट बनता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन कंटेनिंग प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जिनके अंदर टायरोसिन मौजूद है ना जेन्थोपोटिका अलग था

हमको चेक करना है हमें कंफर्म है कि मेरे पास चार सैंपल दिए गए हैं मान लो तो पास चार सैंपल एक दो तीन और चार टेस्ट ट्यूब ये भी नहीं है वन, टू, और फोर। अब तुमसे कहा जाएगा कि बताओ भैया इन चारों में से टायरोसिन किस में है तो कौन सा टेस्ट करोगे और विश्वास टायरोसिन के पास क्या है फिनॉल मौजूद है तो तुम मिलन टेस्ट कर लोगे इस तरह से चीजें होती हैं ये प्रिंसिपल क्या है इसका क्या हो जाता है नाइट्रीफिकेशन हो जाता है इतना प्रिंसिपल का मेन थीम तो भी चलेगा इन टैरोसिन विच इज देन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेज विदेवी मेटल लाइक मरकुरी अब जो उसका नाइट्रिफिकेशन हो गया है अब नाइट्रीफिकेशन होने के बाद वो क्या हैवी मेटल जैसे कि मरकुरी वगैरह है उनके साथ क्या बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं

ठीक है द नाइट्रेटेड टायरोसिन देन कंबाइन विद मरकरी आयन अब जो नाइट्रेटेड टायरोसिन है वो कंबाइन कर जाएगा किसके साथ मर्करी आयन के साथ इन द टू फॉर्म रेड कलर प्रेस्ट्रेट और सोल्यूशन अब देखो प्रिंसिपल से भी बहुत सारी चीजें याद होती चली जाएंगी प्रिंसिपल में क्या है अंदर एक तरह से अंदर की मैकेनिज्म क्या हुई है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल हमें दिखाता है इन सम प्रोटीन कंटेनिंग टायरोसिन ठीक है द इनिशियल रिएक्शन बिटवीन रिजल्ट इन द मर्कुरट और येलो कलर प्रेस्ट्रेट कई बार क्या होता है

फिर क्या करेंगे उसको हम मिलन डालने के बाद वाटर बाथ में रखेंगे चेक करेंगे कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दो मिनट के लिए रखेंगे और नहीं आया तो उसको फिर हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए और हीट करेंगे मतलब रखा रहने देंगे और कलर का चेंज आने का वेट करेंगे देखेंगे प्रेस्ट्रेट बने हैं कि नहीं बने हैं ठीक है थीके? तो ये देखो जा रहा है यहां पर ठीक है मिलन टेस्ट नेगेटिव है एब्सेंस ऑफ टाइर अगर ऐसा है ये रेड कलर इस टाइप से आ गया है तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे प्रेस्टेट बन गए हैं देखो क्या बन गए हैं प्रेसिपिटेट बने हैं क्या बने हैं प्रेसिपिटेट बने ठीक है थीके? अब प्रेसिपिटेट बन गए कन्फर्मेशन हो, हो जाएगा कि हाँ यहां पर हमारे पास टाइरोसिन मौजूद है नेक्स्ट है साकाटेटिव टेस्ट फॉर आर्जिन किसके लिए है ये स्पेशली आर्जिन डेट इज आइर फ्री और चाहे वो फ्री हो या प्रोटीन के अंदर है यानी कि यह टेस्ट भी दोनों के लिए हो गया अम्यूनो एसिड के लिए प्लस या एंड प्रोटीन के लिए ठीक है तो ये इस तरीके से समझनी है।, है प्रोटीन का अलग है सेम ही चलता है दोनों जापानीज फूड साइंटिस्ट शोयो सागागुची 1925 उनके नाम पे उन्होंने किया था इसको तो सागागुची टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कलर रिएक्शंस कलर की रिएक्शन होती है यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन

ट वन नेपथोल इन अल्कोहल विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टेन परसेंट सोडियम हाइपोब्रोमाइड सोल्यूशन ऑफ ब्रोमिन वाटर तो साकागुची रिएजेंट क्या होता है इन अल्कोहल में मिला देंगे फिर कुछ ड्रॉप डालेंगे उसके टेन परसेंट सोडियम हाइपोब्रोमाइड के और इन ऑफ ब्रोमिन वाटर ठीक है ना तो यहां पर क्या हो रहा है नेपथोल अल्कोहल में डाल दिया है उसके बाद सोडियम हाइपोब्रोमाइड सॉल्यूशन क्या डाला गया उसके कुछ ड्रॉप डाल दिए गए हैं और हमारा साकागुची रिएजेंट तैयार हो गया

िन में उनका आपस में रिएक्शन है यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द रिएक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन लाइक स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, एक -like बन जाता है और रेड कलर का बन जाता है. देखो प्रिंसिपल बार बार कह रहा हूं प्रिंसिपल एक बार में याद ना हो तो परेशानी होना है मेन किससे क्या रिएक्ट कराया और क्या मिल गया हमें कलर वो पक्का ध्यान रखना है और कौन सा खास अम्यूनो एसिड मिला है हमें यह भी ध्यान रखना है

टेस्ट uh, ट्यूब में डालेंगे ml 40 करेंगे, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से देन टू ड्रॉप एंड मिक्स थरोली पांच ड्रॉप सोडियम हाइपो ब्रोमाइड या ब्रोमिन वाटर के मिला देंगे द टेस्ट इज ऑब्जर्व फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कलर और उसके बाद तो हम लोग क्या देखेंगे कलर को चेक करेंगे कि कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है रेड कलर कॉम्प्लेक्स आ जाता है जो क्या दिखाता है कि हाँ यहाँ पर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टेस्ट की क्या कहानी है A positive result on Sakaguchi test is demonstrated by the formation of red color. This indicates the presence of arginine or guanidinium compound. यहाँ से तो हमें क्या पता चल जाता है arginine और guanidinium compound. Uses of Sakaguchi test इसके यूज़ क्या है बायोकेमिकल टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ आर्जिनिन इन द फ्री और कंबाइंड फॉर्म इन प्रोटीन या फ्री हो या कंबाइंड फॉर्म में हो प्रोटीन में हम उसका टेस्ट को आर्जिनिन को यहां से पता लगा सकते हैं सिंपल है देखो टेस्ट टेस्ट में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है फिर बता रहा हूं मैं सात टेस्ट है यहां पर जो मैंने दे रखे हैं साथ ही आई थिंक ठीक है इनके नाम लिख करके किससे किसको रिएक्ट कराना है पहले एक एक लाने पहले वो याद करना है सबसे पहला काम वही है बाद में फिर इसकी प्रिंसिपल इंसिपल बाद आगे डिटेलिंग बाद में जाओगे ठीक है लीड सल्फाइड टेस्ट और लीड एसिटेड टेस्ट इज बायोकेमिकल टेस्ट फॉर सिस्टाइन किसके लिए हो गया सल्फर इनके अंदर क्या मौजूद होता है सल्फर होता है या एस एस ग्रुप मौजूद हो सिक्सटीन एंड एस एस ग्रुप में सिस्टाइन में यानी कि सीधी सी बात है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग याद कर लेंगे इसको सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से एसिड है सल्फर कंटेनिंग ठीक है अब इनके अंदर क्या या तो एसएच ग्रुप होगा थायल ग्रुप होगा या एसएस की बॉन्डिंग हो सकती है एस एस ग्रुप हो सकता है ठीक है तो इन दोनों यानी कि दोनों के अंदर हमें सल्फर मौजूद है सीधा फंडा ये है ठीक है अब ये भी ध्यान रख लेंगे कि जो सिस्टीन है उसके अंदर एस एस होता है सिस्टाइन के अंदर एस एच होता है दल्सो

ठीक है जब मिलाएंगे आ, इस लीड सल्फाइड टेस्ट में तो जो अमीनो एसिड के अंदर एस एच और एस एच ग्रुप होता है डिग्रेड कर जाएंगे टूट जाएंगे ठीक है अंडर स्ट्रॉगली अल्कोलीन कंडीशन वो टू ब्रेक कर जाते हैं ठीक अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड सिस्टाइन रिलीज सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोलीन ये क्या करते हैं सल्फर को रिलीज कर देते हैं अल्कोलिन की मौजूदगी में एट हाई टेम्परेचर द सल्फर देन कंबाइन विद अल्कली और जो सल्फर वहां से रिलीज हुआ है सल्फर कंबाइन विद द अलकाली जो हमने अलकाली डाला है बेस डाला है उसके बाद तो कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा एनटूएस बना लेगा दिस रिएक्ट विद लीड एनटूए अब ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा लीड एसिटेट जो हमारा रिएजेंट है टू फॉर्म लीड सल्फाइड विध रिजल्ट इन द ब्लैक रेसिड्यू और जो लीड सल्फाइड जब बनेगा तो वहां पे क्या आया था ब्लैक रेसिड्यू आएगा काले काले से वो दिखाई पड़ेगा हमें सैंपल जो हमारा ब्लैक दिखाई पड़ेगा फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस फ्री सल्फर आय शुड बी प्रेजेंट इन द मीडियम फ्री सल्फर होना बहुत जरूरी है तो अल्कलीन डाल देते हैं वो सल्फर यहां से रिलीज करवा देगा तो हमने अल्कलिन डाल के सल्फर रिलीज कराया वही सल्फर वापस इस से रिएक्ट कर जाता है N2S बना लेगा ये जाकर के फिर लीड एस्टेट से रिएक्ट कर जाता है ठीक है तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर किस तरह से ये ब्लैक ब्लैक हो गया है ठीक तो है तो प्रोसीजर वही है यहां पर प्रिंसिपल सही प्रोसीजर बन जाएगी टू एम सैंपल ले लिया टू दिस टू एम ऑफ एनो एस डाल दिया अब क्या कर लेंगे ठीक है बॉईल करेंगे एक मिनट के लिए वंस द टेस्ट ट्यूब कूल्स डाउन ठंडा हो जाएगा फ्यू ड्रॉप ऑफ लीड एसिडेट डाल देंगे अब उसमें जो कलर चेंज आएगा उसको हम लोग चेक कर लेंगे तो सिंपल है और छोटा करके चाह लिखना चाहो लिख सकते हो पॉजिटिव टेस्ट क्या है पॉजिटिव टेस्ट इन लीड सल्फेट टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक जब ब्लैक प्रेस्प्रेट आता है तो ये टेस्ट क्या हो गया पॉजिटिव हो गया इसका मतलब इसके अंदर सिस्टीन और सिस्टाइन मौजूद है ठीक है दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टीन और सिस्टाइन ओके यूज क्या है ऑब्वियसली बात है यूज टू डिटेक्ट द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन और सिस्टाइन इट हेल्प टू डिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है ना हम कह सकते हैं किन अमीनो एसिड के अंदर सल्फर है या नहीं है द डिटेक्शन ऑफ सिस्टीन इन यूरिन इन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिजीज लाइक सिस्टीन स्टोन इन द किडनी एंड ब्लडर है ना यूरिन के अंदर अगर सिस्टीन आ रही है तो उसमें भी हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर पैथोलॉजी के अंदर क्लियर है बातें ओके तो ये थे हमारे पास छह सात टेस्ट फिर बता रहा हूं टेस्ट में तुमको सबसे पहले क्या करना है वो एक लंबा सा नाम लिख करके किससे किसको रिएक्ट कराया क्या कलर आया और कौन सा हमें प्रोटीन स्पेशली मिल रहा है ये लिख करके सात पहले सात लाइनें या आठ एक सात लाइनों में खत्म हो जाएगा तुम्हारा उसको याद करने के बाद फिर अपना डिटेल में करना हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लियर है यानी कि याद करना स्टार्ट करेंगे कोई और उसके बाद क्या है कोई प्रॉब्लम आती है कुछ चीज जानना चाहते हो एक्स्ट्रा या कुछ चीज परेशान कर रही है कॉल कर सकते हो ठीक है ऐप के बारे में कुछ पूछना चाहते हो कॉल कर सकते हो काफी सारे फीचर हैं ऐप में उसका यूज कर सकते हो ठीक है और सबसे बड़ी चीज क्या है रिवीजन बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला ठीक है ना तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो ऑल द बेस्ट